वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रगति शैक्षणिक संस्था उन बेसहारा अशिक्षित लड़कियों के लिए है जिन्हें पढ़ने, कुछ बनने, कुछ पाने, कुछ करने की ललक हो। उनके लिए संस्थापिका स्वेता डिसोजा प्रयत्न करती अक्सर नजर आती है। वह गली मोहल्लों की उन बेसहारा लड़कियों को शिक्षण देती है जिन्हें वाकई में आवश्यकता होती है। हाल ही में उनके जन्मोत्सव के दौरान सर्टिफिकेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां चीफ गेस्ट मशहूर समाज सेवक प्रदीप जैन उपस्थित हुए और सर्टिफिकेट प्रदान किया उन छात्राओं को जिन्होंने अपनी पढ़ाई जिस भी क्षेत्र में पूरी की हो। प्रदीप जैन जी के अलावा और भी कई मान्यवर ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो आइए आपको ले चलते हैं यहाँ श्वेता डिसोजा को, हैप्पी बर्थडे तो कही आते हैं, साथ में जानते हैं इस संस्था के बारे में और भी ढेर सारी बातें। देखिए खबर 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैम ने बुलाया मुझे, तो ये मैम की जो मेहनत है वो सफल हुई है। मैं इनको 4 महीने से पहचान रहा हूँ, तो मैंने अपने हाथ से देखना हुआ है कि ये सबके घर पर जा जाकर जो गरीब से गरीब है वहाँ पे जा जाकर जो उनके क्योंकि उनके पास पैसा उनके कुछ भी नहीं है तो उनको वहाँ पे देख कर अपने क्लासेस में उनको सिखा रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे मैम का, वो ये बहुत कम ऐसे आज के हिसाब से बॉम्बे इंडिया में बॉम्बे में ऐसे बहुत कम मिलेगा आपको कि घर घर पर जाकर उनको बोले कि आप आइए हमारे यहाँ पर, हम आपको क्लासेस करेंगे, हम आपको सिखाएंगे, जॉब कराएंगे। वो बहुत बड़ी बात है, इसमें बर्थडे भी याद है। हमने हमने किया हुआ है वैसे, तो मैंने उसके हिसाब से 31 दिसंबर के साथ ये एनओए किया हुआ क्लासेस वाले का, तो उन्होंने उसके हिसाब से किया कि साथ में ये भी हो जाए, उनका जर्मनी भी बन जाए वो सबका साथ में, ये भी एनओए भी हो जाए क्लासेस के हिसाब से। ये बच्चों क्या सीख देंगे आप, क्या बच्चों को ये सीख देना है मुझे ये कि जो भी करना अपने हिसाब से मन से दिल से करना है। हम आपको जो भी दे रहे पेपर उसको पेपर वर्क बना कर मत करिए, आपने अपने मेहनत का आपको जो कमजोरी आ रही उसको ओके करिए, उसको आगे करिए, आगे जाइए और इतना हो इतना मेहनत करिए पढ़ाई करने, आज का भविष्य वो कल का भविष्य यही है। जब का आप इतना अच्छी पढ़ाई नहीं करें जब का आपको आगे जॉब नहीं मिल रहा है, तो यही बोलने जाऊँगा मैं बच्चों को कि आपको अपनी मेहनत से ही सब कुछ करना ही है। माय नेम इज बिशप डॉक्टर कृपादानम, प्रीस्ट चर्च फादर। सर क्या कहना चाहेंगे सर संस्था के बारे में, जो स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देगा उसके बारे में? करीब मैडम को मैं 3 साल से जानता हूँ। मैं मैडम का अच्छा बात यह है, जो जो लड़की है जो पढ़ाई के घर में बैठ गया उनका आगे का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे कोई सोच नहीं है, उन तक जाते हैं घर घर जाके उनको लेके आते हैं बाहर, और ताकि उनका सपना और उनको एक होप दिलाओ, और उनको लेके आके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और टीचर ट्रेनिंग में लेके आके उनका संस्था से उनको टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं। ये सबसे अच्छा बात है, कहीं संस्था है टीचर ट्रेनिंग का, बट शी इज ऑनर एट द सेम टाइम शी गो टू फॉर सर्वे फ्रॉम हेयर सेल्फ, तो वो खुद जाके बच्चों को ढूंढ के लेके आते हैं और उनको फ्यूचर एक उनका एक लाइफ देते हैं, तो एक टीचर बन के अपना जिंदगी जीने के लिए ऐसे ऐसे बेस्ट वे। सर्टिफिकेट दिए गए काफ़ी लोगों को, उसके बारे में क्या कहेंगे, बच्चों को कैसे इंक्रीज करेंगे? बच्चों को एक कहना चाहता हूँ, अपना सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए जो टीचर पोस्ट में रखे, सर्टिफिकेट एक फ्रेम बना के रखने के लिए नहीं, आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करके और कहीं जीवन के लिए अपना जीवन उपयोग होने के लिए और बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए सर्टिफिकेट। एंड माय संस्था नेम इज प्रगति शैक्षणिक संस्था 2010। मैंने रजिस्ट्रेशन किया था खुद से एंड मेरे लाइफ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है कि मैंने लाइफ में सोचा कि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बट सेंचू में मुझे लगे बहुत हैप्पीनेस और लगता है कि जहाँ लोगों में आदिवासी लोकेशन हुआ वहाँ
पे जिसके पास मम्मी डैडी नहीं है एंड जिसके पास हस्बैंड नहीं है, ऐसे लोगों को जहाँ पे दो बहन है जिनको ट्रेनिंग हम दिया, एक जिनको फ्री में है, तो संस्था पहले हम लोग डोर टू डोर जाकर सर्वे करते, फिर एक डोर में 2010 में मैंने घर में स्टार से आंगनवाड़ी होता है तो जैसे वहाँ पे हमको आंगनवाड़ी में वहाँ पे प्लेस हम लेना स्टार्ट करते. प्लेस में हम लोग पहला ट्रेनिंग 2010 में मराठी मीडियम में चलता था. अभी जैसे जैसे 2014 मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ी मुझे एक प्लेस मिला, प्लेस में फिर मेरा सेंटर स्टार्ट हो गया एंड देन सेंटर में वन बाई वन हमें टीचर मिलने लगे. फिर आगे आगे मुझे सेंटर 2010 से लेकर 2020 मुझे यहाँ तक अपने यहाँ पे गॉड इज़ ग्रेट बिकॉज ऊपर वाला साथ नहीं था मैं यहाँ तक आ जा नहीं पाती बिकॉज हमारे लाइफ में मैंने जब तक हम स्ट्रगल नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे. तो मेरा एम है कि हम छोटे से जब स्टार्ट करें तब हम आगे बढ़ सकते हैं और मेरी यही तमन्ना है कि आने वाला साल 2020 मेरे इससे भी बढ़कर गॉड ब्लेस करे सबको. गॉड ब्लेस यू. तो कौन से कौन से कोर्स होते हैं आपके? यस, कौन से कोर्स होते हैं? प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है. प्री स्कूल मतलब नर्सरी जूनियर एंड सीनियर एंड इस सीनियर मतलब फर्स्ट टू फोर्थ इंटरनेशनल स्कूल एंड उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड देन नर्सिंग कोर्स नाउ स्टार्टेड 3 months एंड कमिंग जस्ट अभी ब्यूटिशन कोर्स भी मैंने स्टार्ट किया है. तो जस्ट अभी इस मंथ 2 महीने से हम लोग नर्सिंग कोर्स एंड ब्यूटिशन कोर्स चालू किया है हमने. क्या प्लान्स क्या फ्यूचर्स के? सॉरी, फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान है आगे गर्ल्स कॉलेज चालू करने के, बीएड गर्ल्स कॉलेज एंड कॉलेज स्टार्ट करने के बाद मेरा हॉस्टल चालू करना. जो लड़कियाँ इसके पास मम्मी डैडी नहीं है उनको एजुकेशन देना है. मुझे मेरा फ्यूचर प्लान वही है कि आगे गर्ल्स कॉलेज बड़ा लेके मुझे स्टार्ट करना है. एक्चुअली आज का प्रोग्राम का 2 रीज़न था. फर्स्ट मैडम्स बर्थडे, श्वेता मैडम्स बर्थडे हमारे प्रेसिडेंट होल एंड सोल एंड सेकेंड टू गिव द सर्टिफिकेट्स टू द स्टूडेंट्स हु हैव studied in our institute for last 6 months. They gave the exam and successfully they passed out and unko certificate diya ja raha hai. It means they are now eligible to go for the job. They can have their school mein job mile ya khud ka apna institute khole, nursing, play group, whatever. Mane depend unko ek madam ne unko dependent girls bana diya hai. Now you can do whatever you want in your life. किसी को जॉब करना अच्छा लगता है, किसी को बिजनेस करना अच्छा लगता है. नाउ डिपेंड ऑन दैट. संस्था के बारे में क्या कहेंगे? संस्था इज़ वेरी गुड मैडम. आज 8 साल हो गए मुझे मैडम के साथ ज्वाइंट होके. इस संस्था में खाली गर्ल्स को ही अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, खास करके पुअर गर्ल्स, नीडेबल, जो उनको बहुत ज़रूरतमंद है. फैमिली बैकग्राउंड प्रॉब्लम है, द वन हु इज़ थिंक है मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ऐसे गर्ल्स लोगों को बहुत मैडम ने हेल्प किया है. संस्था ने बहुत हेल्प किया है. कभी कभी मैडम फीस भी माफ़ कर देती है, कम कर देती है, कभी माफ़ भी कर देती है. एंड अभी इतने प्रोग्रेस हो गए हैं कि इन्होंने अपना इंटरनेशनल स्कूल भी खोला है. ब्रांचेज आर देयर, जोगेश्वरी ब्रांच, बोरीवली, बांद्रा, अंधेरी एंड इंटरनेशनल स्कूल स्टार्ट किया है. साथ में नर्सिंग का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, हो गया है, ब्यूटिशियन का भी है. मैं नंबर वन गर्ल्स जिसमें आगे बढ़ सके, गर्ल्स जिसमें आगे सेफली सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो कर सके वो काम सब स्टार्ट मैडम करती है इस इंस्टीट्यूट में. ये कहना चाहूँगी स्पेशली दिल से कि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं पहली बात वो ब्लेस्ड आते हैं हमारे पास. जो भी एक आते तो एक उम्मीद से आते, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट वो जो कुछ भी सोचते वो फुलफिल होना चाहिए. कभी भी मोटिव इतने तक नहीं रहना चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए. जितना भी हो ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकती, ये सोचो कि मैं क्या नहीं कर सकती. इंडिविजुअल पर्सन भी ना आजकल एक ग्रुप में काउंट होता है. वन पर्सन इज फुल ऑफ फुल टैलेंटेड पर्सन. इसलिए मल्टी टैलेंटेड पर्सन हम लोग यूँ ही नहीं कहलाए. वी आर हैप्पी सो वी आर मल्टी टैलेंटेड. हम रोना भी जानते तो मेकअप भी करना चाहिए. हैड अवर फीलिंग्स, इन्जॉय द लाइफ और हमेशा एंटरटेन होकर डेवलप करते रहना. ज़रूरी नहीं कि एज चली गई तो हम एजुकेशन नहीं ले सकते. उम्र है नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमें क्या क्या मिल सकता है. बिकॉज एजुकेशन इज़ अ पासपोर्ट ऑफ सक्सेस जर्नी. तो वो सोच के आगे बढ़ना है हमें, राइट?